फलेरिया की दवा खाने से दर्जनों बच्चे बीमार, सिर दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद कराया गया भर्ती। बता दें कि बिहार में फलेरिया रोग से बचाव को लेकर शनिवार को फलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत सभी स्कूलों में बच्चों को फलेरिया की दवा खिलाई गई, मगर फलेरिया की दवा खाते ही बच्चों को जी मचलने के साथ उल्टी होने लगी। साथ ही बच्चों में पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के 3 स्कूल में फलेरिया का दवा खाने से लगभग 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। सभी बीमार बच्चों को आनंद फानंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेपुर में भर्ती कराया गया। शनिवार को अभियान के तहत विद्यालयों में फलेरिया की दवा खिलानी थी। इसी क्रम में सुबह 11 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम आशा कार्यकर्ता ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोघरा, मध्य विद्यालय मालपुर, मध्य विद्यालय मुकुंदपुर पर दवा खिलाने पहुंची। दवा खाते ही कुछ देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की तबीयत बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन सख्ती में आ गए एवं देखते ही देखते स्कूल के पास ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सभी बच्चों को पीएससी पातेपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया। हालांकि इलाज के बाद सभी बच्चों की तबीयत में सुधार हो गया और सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। बच्चों के बीमार होने की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को लगी, उनमें घबराहट फैल गई। जैसे तैसे भागकर पीएससी पहुंचे। अस्पताल के भीतर और बाहर परिजनों की भारी भीड़ लग गई। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देख परिजनों में राहत की सांस ली। इस संबंध में पातेपुर पीएससी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अवनी कुमार ने बताया कि वैसे बच्चे जिनमें कीड़े की होने का कोई भी लक्षण होंगे तो उनमें ये रिएक्शन के रूप में ऐसा होता है। जब कीड़े मरेंगे तब कभी कभी बच्चों को उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है और बुखार भी हो सकता है। यहाँ जितने बच्चे अभी तक आए हैं सभी खतरे से बाहर हैं। जो हुआ है सर, किस कारण बच्चे लोग पर ये बच्चे लोग इतने बीमार हैं? देखिए, कीड़े की दवा जब भी खिलाई जाती है बच्चों को, तो वैसे बच्चे जिनमें कीड़े कोई भी लक्षण होगा उनमें ये रिएक्शन के रूप में ऐसा होता है। जब कीड़े मरेंगे तो उसके रिएक्शन के रूप में कभी कभी बच्चों को उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, उसको बुखार भी हो सकता है। तो अभी सारे बच्चे जो भी आए हैं यहाँ पे, लगभग 12 से 15 के उसकी संख्या में बच्चे आए हैं, वो सारे बच्चे खतरे से बाहर हैं। ऐसी कोई घबराने की कहीं कोई बात नहीं। सर, आखिर कीड़ा की दवाई जो स्कूल में खिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या एज होनी चाहिए? क्या 2 साल से ऊपर के बच्चों को कीड़े की दवा खिलाई जाती है? आखिर यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर बीमारी की अवस्था में यहाँ पर पहुँचे? लगभग 12 से 15 के बीच में बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं अभी तक। किस स्कूल का मामला है सर? ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिकनौटा, चकजैत चिकनौटा का मामला है। अच्छा सर, और कोई स्कूल का है? हाँ, एक दो और स्कूल का है, एक मालपुर का भी है। सर, आप अपना परिचय थोड़ा। हाँ, डॉक्टर अवनी कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातेपुर। अच्छा, ये जो पायल कुमारी है, जो मैं स्कूल में 2 क्लास में पढ़ती हूँ, यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो किसी से बीमार पड़े हैं? ये आए फलेरिया की गोली खाने से। फलेरिया की गोली खाने से? लगभग कितने बच्चे यहाँ पर हैं? हम तो एक लाए हैं, मैं यहाँ मिडिल स्कूल से एक लाए हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि बहुत सारे गंभीर हालत में हैं जी। हेलो, अब महिया घर आप? जी महिया। तो सबका फलेरिया का दवा खिलाया? जी, फलेरिया का दवाई खिलाया। तो आपको सूचना मिला था सभी बच्चे? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं मिला था कि दवाई खिलाना है, कोई गार्जियन का कोई भी सूचना नहीं थी। स्कूल से नहीं? नहीं, स्कूल से भी नहीं मिला था हमको सूचना। ये तो इसको जो है ज़बरदस्ती 2-3 लड़की मिलकर घर पे लाई है, पूछे क्या हुआ था, ऐसे ऐसे दवाई खिलाई है, बेहोशी टाइप में था, उल्टी वहाँ हुआ। उसके बाद बोले हम सर को स्कूल में कि सर ऐसे ऐसे बार कहानी है, तो बोले डायरेक्ट आप स्वास्थ्य विभाग का ही है, आप वहाँ पीएससी में। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ घर है? महिया थाना फातेपुर। कौन से स्कूल के बच्चे हैं ये? महिया मिडिल स्कूल। क्या हुआ था? दवा खाए थे। क्या चीज का दवा खाए थे? कहाँ पर खाए थे दवाई? स्कूल। कौन आया था खिलाने? एक मैडम आई थी और आशीष। अच्छा, दवा खाने के बाद क्या होने लगा? दवा खाने के बाद पेट दर्द और माथा दर्द। पेट दर्द और माथा दर्द। अच्छा, नाम क्या हुआ? आशीष कुमार। कौन स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोघरा। किस क्लास में पढ़ते हो? 8।